So it's been a long time since I'm reviewing smartwatches, and now I think Indian smartwatch market is literally f***ed up. इंडिया डोमिनेट कर रहा है स्मार्ट वॉच मार्केट को. क्वार्टर 1 2023 में 121% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, विच इज एक्सट्रीमली पोटेंशियल. 27% शेयर के साथ इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्ट वॉच मार्केट बन चुका है. और ओवर 90% से ज्यादा जो स्मार्ट वॉचेस बिके हैं इंडिया में वो हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स के हैं, लाइक बोट, फायरबोल्ट, नॉइस एंड कुछ और भी है. तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि इंडियन ब्रांड्स एकदम अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, राइट. लेकिन कहानी यहाँ पे पूरी डिफरेंट है, और इसे कहते हैं अंधों में काना राजा. और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा. ये सारे इंडियन स्मार्ट वॉच ब्रांड्स एक्चुअल में पब्लिक को पागल बना रहे हैं. लेट्स डाइव इनटू द रियलिटी. आपको पता है एक रियल स्मार्ट वॉच क्या कर सकता है? इट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट, ब्राउजिंग कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर से एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप नोटिफिकेशंस का डायरेक्टली वॉच से रिप्लाई कर सकते हैं. इट डजंट मैटर कि कोई भी एप्लीकेशन हो, सब में रिप्लाई कर सकते हैं विद कीबोर्ड. रियल टाइम में फोन कॉल हिस्ट्री सिंक हो जाता है, प्लस म्यूजिक के प्लेलिस्ट को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने प्यारे इंडियन ब्रांड्स के पास. तो ये रहे कुछ स्मार्ट वॉचेस जो अभी तक के बेस्ट हैं इन ब्रांड्स के, और सबसे महंगे ऑफरिंग है, लाइक इनके स्टार प्रोडक्ट्स हैं अभी तक के लिए, जब तक वीडियो बन रही है, पता नहीं और नया लॉन्च कर दे बाद में. तो ये सारे स्मार्ट वॉचेस में से एक भी वॉच ऐसा नहीं है जो उन सारे रियल स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स को फुलफिल कर पाए. आई नो फैन बॉयज बोलेंगे कि ये वॉचेस महंगे नहीं है, सस्ते हैं, और जो रियल स्मार्ट वॉच वाले फीचर्स है वो लाइक महंगे वॉचेस में आते हैं. तो ये बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा शर्म आएगी. तो इंडिया का टॉप वेयरेबल ब्रांड बोट है, जिसने 4,000+ करोड़ की सेल करी है फिस्कल ईयर 2023 में अप्रोक्सीमेटली. एंड फायरबोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू गेट close to approximately 2400 crores INR, जिसके कारण ये पूरे ग्लोबल मार्केट में सेकंड नंबर पे स्मार्ट वॉचेस में आ जाता है. अब बोलो ये कोई गरीब और छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं भाई, इतने ज्यादा का धंधा हो रहा है यहाँ पे. अब ये जो सेल्स हुई है इसमें चूना सिर्फ कंज्यूमर का लगा है. कोई भी इकलौता ऐसा बंदा नहीं होगा जो इनकी वॉचेस खरीदने के बाद बोलेगा कि मैं दोबारा इनकी वॉचेस खरीदूंगा, या फिर मैं इनके कोई भी फीचर को लेकर इंप्रेस हो गया हूँ. बट कीप इन माइंड दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट. आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जो इन वॉचेस को स्ट्रेट प्रमोट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है उनको पता नहीं है कि ये वॉचेस क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या हो रहा है? वही है जो 1,000 करोड़ की कमाई हो रही है वो कहां जा रही है? इनका कुछ चंक लाइक कहां जा रहा है? पैसा बोलता है. अब एक पॉइंट है, हर पॉपुलर और डोमिनेटिंग ब्रांड का एक स्टार प्रोडक्ट होता है जो मार्केट के स्टार प्रोडक्ट को टक्कर देता है. क्या इन ब्रांड्स में इतनी भी हिम्मत है कि अपने प्रोडक्ट को सैमसंग या फिर एप्पल के स्टार प्रोडक्ट जो स्मार्ट वॉच है उनके एक भी फीचर के साथ कंपेयर करके दिखा दे? नाउ अगेन यू विल से कि यार ये बजट वॉचेस हैं, इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेट मी शो यू हाउ यू कैन कंपेयर इट. अमेज़फिट एक बाहर की कंपनी है, इनका नाम सुना है आपने? इन्होंने अपनी एक मिड रेंज वॉच को एप्पल के फ्लैगशिप वॉच से कंपेयर करा था लॉन्च के टाइम पे डिजाइन को लेकर के. अब मुझे पता है कि सारे फीचर्स में ये उसको टक्कर नहीं दे सकते, बट फिर भी कैपेबिलिटी तो रखते हैं ना कि डिजाइन तक को कंपेयर कर पाए. नथिंग फोन हमेशा ही आईफोन से ही क्यों कंपेयर होता है, कभी सोचा आपने? वो उसका स्टैंडर्ड है. मैं आपको कुछ अनसर्फेस्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ. वैसे तो सर्फेस्ड भी है बट बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में. सी ऐसा नहीं है कि बजट स्मार्ट वॉचेस में ये फीचर्स डाले नहीं जा सकते हैं. अमेज़फिट के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा इकलौता ब्रांड है जो अपना खुद का एक OS बना रहा है, दैट इज ज़ेप OS, जो बजट वॉचेस में चलता है. और इनमें आप वो सारी चीजें कर सकते हो, इसका डेमोंस्ट्रेशन लाइव मार्केट में अवेलेबल है. इनका एक 2700 रुपए का स्मार्ट बैंड आता है, काफी छोटी सी स्क्रीन पे इन्होंने ज़ेप OS लगा रखा है, जिसमें आप एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं ज़ेप स्टोर से, और फुल्ली फंक्शनल काम करती है सारी चीजें. एज यू कैन सी, ये छोटे से बैंड पे ChatGPT चल रहा है, कीबोर्ड से आप चीजें टाइप करके लिखवा सकते हो. रियलमी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर नेटिव एप्लीकेशन. रियलमी के वॉचेस में आपको रियलमी लिंक ऐप का इंटीग्रेशन मिलता है, जो जितने भी IoT डिवाइसेज है ना आपके घर पे रियलमी के लगे हुए वो सारे कंट्रोल हो जाते हैं. यू नो मी बैंड जो Xiaomi का प्रोडक्ट है, ये ओवर टाइम इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया है कि कुछ कुछ ऐसे ट्रेडिशनल फीचर्स है जो वेयर ओएस में प्रेजेंट है ना, वो मी बैंड में अच्छे से काम करते हैं आजकल, लाइक स्मार्ट DND, स्मार्ट स्लीप मॉनिटरिंग, स्मार्ट अलार्म, स्मार्ट नोटिफिकेशन एंड सो ऑन. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी बजट स्मार्ट वॉचेस और बजट स्मार्ट बैंड्स है, और इन पे कितना ज्यादा काम हो रहा है आज के डेट पे. अब ये वॉचेस पे काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये सारे वॉचेस इनके खुद के ही नहीं है, चाइना से सस्ते में खरीदते हैं, इंडिया में लाके अपना ब्रांड का लोगो लगा करके आपको चिपका देते हैं. इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का है, क्योंकि आप इन ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हो और आपने इन ब्रांड्स को ऊपर उठाया है, तब जाके ये इतने कमाई कर पा रहे हैं यहाँ पे. और एट द एंड ये क्या कर रहे हैं, आपको स्ट्रेट बना रहे हैं. अब ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये बस छोटी सी झलक है. ये सारे इंडियन स्मार्ट वॉच ब्रांड्स एक्चुअल में पब्लिक को पागल बना रहे हैं.
इनके सेंसर्स कौन से कंपनी के बने हुए रहते हैं ये कभी मेंशन करते हैं? बताते हैं कब बनाया सेंसर, की सेंसर की क्वालिटी क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सेंसर्स में, लाइक हार्ट रेट और एसपीओ2 सेंसर में? क्यों बताएंगे भाई, इनकी खुद की वॉचेस है ही नहीं, बस चाइना से लेके आते हैं, ठप्पा लगाया, मोहर लगाया, इंडिया में बेच दिया ला करके। कई सारी वॉचेस तो आप देखोगे कि सर्फेस के, टेबल के, इन सबके हार्ट रेट मेजर करके आपको बता दे रहे हैं। इनका खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये R&D पे काम नहीं करते हैं, प्लस इनका खुद का UI नहीं होता है, कभी फोन से कनेक्ट हो जाएगा, कभी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ वगैरह में आपको इश्यूज आएंगे, वॉच यूज करने में आपको लैगी टाइप का फील होगा, और कोई भी एक सिग्नेचर डिजाइन नहीं है। आप डिफरेंट मॉडल इनके चूज करोगे, आपको हर एक डिफरेंट मॉडल में अलग अलग टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इनके जितने भी हैंडलिंग एप्लीकेशन होते हैं, बोट, नॉइस, फायरबोल्ट, इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं, सब एप्लीकेशन एक चाइनीज एप्लीकेशन, उसके ऊपर इंडियन स्किन चढ़ी हुई है इनकी। इनकी खुद की स्क्रैच से बिल्ड हुई एप्लीकेशन भी नहीं है, ये सारे चाइना वाले एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं, उस पर अपना ठप्पा मोहर लगा रहे हैं, उसको अपनी तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं और चेप दे रहे हैं आपको। अब ये चाइनीज एप्लीकेशन पे अपनी स्किन चढ़ा रहे हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास। बोट की एक्सटेंड वॉच एक बहुत टाइम पहले लॉन्च हुई थी, मैंने ये एक साल पहले ही प्रूफ करा हुआ है, बट दोबारा दिखाता हूं आपको। बोट की एक्सटेंड वॉच अपनी बोट की नेटिव एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाती है, और एक चाइनीज एप्लीकेशन है वेरीफील्ड प्रो करके, उससे भी कनेक्ट हो जाती है, मतलब कि सेम एप्लीकेशन है यार। अभी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर रही है, बोल रही है मत इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से भी हटा दिया जा रहा है, बट ये कंपनीज आपको जबरदस्ती इंस्टॉल करवा रही है चाइनीज एप्लीकेशंस, क्योंकि वॉच इनकी उन्हीं से कनेक्ट होगी ना। अब फायरबोल्ट इतना बड़ा बेशरम कंपनी है कि भाई वो डायरेक्ट साइड लोड करा रहा है एप्लीकेशन आपके फोन पे, वो तो आपको प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, मतलब क्या ही तमाशा चल रहा है, आई डोंट नो। अब इन सारी हरकतों से एक चीज प्रूफ होती है कि ये सारे ब्रांड्स एकदम जरा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने कस्टमर की। इनकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज्यादा घटिया है कि आप अगर ट्विटर पे जाके हैंडल चेकआउट करोगे तो लोग इनको स्ट्रेट गाली दे रहे हैं। अब जो लोग साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मार्ट वॉचेस खरीदते हैं, फिटनेस ट्रैकर खरीदते हैं कि वो अपने एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाए। तो इस तरह एक बेस्ट एप्लीकेशन, इसमें कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो आप, रिकॉर्ड्स बना सकते हो और काफी सारे माइलस्टोन्स वगैरह हिट करते हो आप, तो आपको चीजें दिखती है वहां पे। एक बेस्ट ऐप है रिकॉर्ड रखने के लिए। इनके जितने भी वॉचेस आपको इंडियन ब्रांड्स के मिलेंगे, आपको मोस्ट ऑफ देम लाइक इस तरह सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मैं यही कहूंगा कि मार्केट अभी नया है और थोड़ा अंधा है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो बस ये मार्केट में काना राजा बने जा रहे हैं। अब देखो, स्ट्रीट मुझे गालियां निकालने का, इनको बुरा भरा बोलने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट ये काम इतने घिनौने और घटिया कर रहे हैं ना कि मुझे लगा यार बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा आके। आप इनके नंबर ऑफ वॉचेस चेक करो, पूरा दिन खत्म हो जाएगा आपका काउंट करते करते, बट इनके वॉचेस खत्म नहीं होंगे। इनका दिन रात का बस एक काम है, लॉन्च पे लॉन्च करना, लाइक लॉन्च करना। अब सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे कि R&D बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इनका जो रगेड वॉच वाला कैटेगरी है, जो लाइक मिलिट्री ग्रेड टफनेस वाला वॉच है, उनमें एक्चुअल में जो मल्टी ग्रेड की चीजें होती है वो प्रेजेंट है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। इनके जितने भी रगेड वॉचेस है उनमें क्या इनबिल्ट GPS का सपोर्ट है कि अगर आप एक्चुअल में जंगल में खो जाते हो, आप ट्रेकिंग के लिए गए हो या फिर कोई भी काम के लिए गए हो, तो क्या आप ढूंढ पाओगे उससे अपने आप को, लाइक अपने आप को सर्वाइवल केस में यूज हो पाएगा वॉच? मेन पर्पज तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप कोई भी रगेड वॉच उठाओगे उसमें आपको एक फीचर मिलता है, डेट इज सनराइज और सनसेट का वो टाइम बता देता है। प्लस अगर आप मिडिल ऑफ द जंगल कहीं पे फंस जाते हो तो उसमें रूट्स वगैरह सेव कर सकते हो आपके, जिस रूट से आप आए हो उस रूट से आप रिटर्न वापस जा सकते हो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एक्चुअल स्मार्ट वॉच में डाले जाते हैं, जिन पे ये काम ही नहीं कर रहे हैं आज तक। आई होप अब सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा मैंने अंधों में काना राजा क्यों इनको बुलाया है। अब बात बस इतनी है कि मैं बोल रहा हूँ इन वॉचेस को बिल्कुल ही मत खरीदिए, आपका पैसा बर्बाद करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एंड फिटनेस के नाम पे ये बस आपको खिलौना चिपका रहे हैं। मैं और वीडियोस बनाऊंगा, इसे बताऊंगा कौन से वॉचेस एक्चुअल में भी आपको खरीदने चाहिए, आपके लिए वर्थ रहेंगे। वेल, इस वीडियो चेकआउट कीजिए और जानिए कि फायरबोल्ट एक्चुअल में कैसे स्कैम कर रहे हैं उनका।